हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता नहीं हो। तो आई एम जयंत नागदा, मैं फिजिक्स के लिए एक पैशनेट एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पे कुछ 4 साल और उससे पहले करीब 10 साल मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को ट्रेन किया है जे एग्जाम और नीट एग्जाम के। तो अगर आप इस चैनल पे रेगुलर हैं या कभी कभी वीडियोज भी देखते हैं तो आपको पता है कि हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से भी बच्चों को हेल्प करना चाह रहे हैं उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और डेफिनेटली पिछले 4 सालों में, इनफैक्ट 5 साल में, क्योंकि अब 2019 को भी इंक्लूड करें तो 5 सालों में हमने रेगुलरली वीडियो सॉल्यूशंस दिए हैं जे मेन के, जे एडवांस के भी, है ना। तो आप लोग डेफिनेटली एज ए स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैसे वीडियो 3 लोगों के बारे में होने वाला है। तीन स्टेटमेंट्स, मतलब तीन विविध प्रकार के लोगों को मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा। काफी छोटा मैं उनसे एज में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से उनको जरूर पहुंचाना चाहूंगा। तो यस बच्चों, आपको पता है कि इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, लाइव होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली लाइव। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हमने, मुझे याद है कि हमें 4 तारीख को बच्चों से हम मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं मिला था। तो अगले दिन रात भर इनफैक्ट हमने वेट किया, 4 तारीख संडे थी, रात भर हमने वेट किया था। अगले दिन सुबह लग रहा था कि पेपर आ जाएगा, जैसे पिछली बार तो आ गया था, लेकिन दिन तक आफ्टरनून में कहीं 2 बजे जब मैं एक ड्रॉपर बैच की 24 ड्रॉपर्स की क्लास ले रहा था, 2 बजे हमें पता चलता है कि यहाँ पे पेपर आ चुका है। तो 3 बजे से हमने पेपर 1 का डिस्कशन और 9 बजे से पेपर 2 का डिस्कशन चालू किया था, जिसमें करीब 3:30 बजे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नंबर आया था। रात के 3:30 बज चुके थे, फिर भी बच्चों आपको डेफिनेटली टीम उड़ान की ये बात माननी पड़ेगी कि बहुत हार्डवर्किंग है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप इस टीम के किसी भी एक एजुकेटर का 80% भी मेहनत करते हैं तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज द थंबनेल ऑफ द वीडियो, पार्ट 2, पेपर 2, है ना। इसमें अगर किसी ने मेरा सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, फिर अपने कमेंट्स या जजमेंट्स भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो पहली बात तो मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि 47.1 आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर मोटिव है इस वीडियो का कि क्यों 47.1 गलत है। जो मैंने आंसर निकाला 60.81 एंड सेकंड पार्ट का भी मैंने आंसर निकाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30.00, वो दोनों पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस पे 4-5 वीडियो बना दिए हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन को। मैं सबसे पहले उन सभी मेरे साथी टीचर्स को, जो मुझसे कई लेजेंडरी टीचर्स भी हैं, बड़े भी हैं, उन्हें एक छोटी बात जरूर बोलना चाहूंगा, छोटे मुंह छोटी बात। और डेफिनेटली क्यों 47.1 गलत है किस किस तरह से, वो मैं बोलना चाहूंगा। और आई एम श्योर यार आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए ऑलरेडी, है ना। और स्टूडेंट्स को और अल्टीमेटली आईआईटी को, इन 3 लोगों को मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग यार, थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग पेशेंटली। अगर आपने इस वीडियो के सॉल्यूशन को, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मोटी मोटी बातें बता देता हूं कि यहां पे देखो कैपिटल एच वो एक चीज है जो कि प्रॉब्लम देती है ना। अभी कैपिटल एच क्यों प्रॉब्लम देती है इसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जो एमआईटी का पेपर है ना, जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है, दिस इज बेसिकली एक कोर्स, है ना, एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कोर्स होगा, जो कि बच्चों को क्या देता है, इस तरह के छोटे छोटे असाइनमेंट्स देता है। जैसे हम लोग भी जब आईआईटी में थे, हमें असाइनमेंट्स मिलते थे जो कि वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं, कोर्स की वेबसाइट पे, और फिर कुछ टाइम के बाद उसका सॉल्यूशन भी सेम तरह के पीडीएफ में वहां पे दिखने लगता है, राइट। तो ये बेसिकली वो प्रॉब्लम है एमआईटी की, जो कि सब लोग देख चुके हैं आई एम श्योर। बट जो मेजर डिफरेंस है आईआईटी की क्वेश्चन में और एमआईटी की इस प्रॉब्लम में, वो है कैपिटल एच मच मच लेस देन स्मॉल एच, है ना। एंड मेनी पीपल हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस, तो ये चीज आप लोग को भी पता है आई एम श्योर, जो इस क्वेश्चन को लेकर काफी सारे वीडियोस देख रहे हैं। और मैं बेसिकली ये बोलना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर एमआईटी की प्रॉब्लम में विस्कस इफेक्ट्स नेग्लिजिबल, कैप जब कर दिया है तब प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द कैप अज्यूमिंग डेल्टा टी वुड नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द फ्लो स्टॉपेज, इस तरह की लैंग्वेज देखो आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे अजम्पशंस इसने ऑलरेडी स्टेट कर दिए है ना। कॉन्स्टेंट डेंसिटी, इसमें एटमोस्फेरिक डेंसिटी फॉल्स बाय 1/E होता है जब ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होता है, बट ग्रेविटेशनल डेंसिटी चेंजेस कैन बी नेग्लेक्टेड, इस तरह की सारी अजम्पशंस MIT की ओरिजिनल प्रॉब्लम में अच्छे से बता दी गई है। बट आई सी दैट IIT ने जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये अजम्पशंस सारे नहीं है ना। मतलब स्टेडी मास फ्लो रेट डेफिनेटली क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में, तो वो एज इट इज आपने यहाँ पे पूछ लिया है कि स्टेडी मास फ्लो रेट क्या होगा एयर ड्रॉन बाय द स्टैक। और चलिए बहुत सारी चीजें मतलब जो अज्यूम करने की होती है वो यहाँ पे दी नहीं है, स्पेशली कैपिटल एच इज मच मोर लेस देन स्मॉल एच, है ना। मतलब दिस इज द मेन कल्प्रिट। अब देखा ये मेन कल्प्रिट कैसे है, क्योंकि सेम स्टेप से आपको भी पता है कि सेम स्टेप से अगर आप कैपिटल एच को जीरो कर दोगे, है ना, सपोज मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे ओरिजिनल सॉल्यूशन एज इट इज है, मैं उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने और वीडियोस नहीं बनाए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद, जो कि आप इस थंबनेल में जाके देख सकते हैं, मैं यही एकमात्र वीडियो बनाना चाहता हूं। और वो भी मैं इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि यार बहुत कंफ्यूजन है,
स्पेशली बच्चों में ये कन्फ्यूजन नहीं पहुंचना चाहिए। देखो टीचर्स में अभी इस पॉइंट पे कुछ रीजंस की वजह से कन्फ्यूजन हो सकते हैं ना, कुछ और फिजिक्स के अलावा भी कुछ और चीजें हो सकती है जिसकी वजह से मैं इसी वीडियो में उसको बताऊंगा, लेकिन बच्चों में नहीं जाना चाहिए, गलत फिजिक्स का फंडा है ना। तो ये आप लोग जानते हैं, ये सारी स्टेप्स आप जानते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस ही ली हैं, मैं ये भी क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे अपन ने बर्नौली नहीं लगाई है, बर्नौली हमने यहाँ पे लगाई है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है बेसिकली, है ना। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो बर्नौली आप लगा सकते हैं, और उस केस में आप लोग यहाँ पे एच जीरो रख के रो ए माइनस रो कितना हो जाता है 0.2, जी की वैल्यू 10 है, स्मॉल एच की वैल्यू 9 थी, जैसे मैंने यहाँ पे 9 ली है बट यहाँ पे 10 एच प्लस एच की वजह से ली है, तो 9 है तो 0.2 इनटू 10 2 हो गया, 9 2 18 हो गया, और ये 2 यहाँ से आएगा तो वो 36 का अंडर रूट 6 आंसर आ जाता है। वंस यू गेट 6 ईयर ये वाला आंसर आपका ऑटोमेटिकली 47.1 आ जाता है, ये बात भी आपको पता है ना। और दूसरे सोल्यूशन में भी अगर आप यहाँ पे एच को जीरो ले लेंगे, सपोज है ना, मैं नहीं ले रहा हूँ बट सपोज लेते हैं आप, तो 9 यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी 9 था, और यहाँ पे आपको वही 0.2 इनटू 9 यानी कि 18 आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये एक छोटी सी बात है, ठीक है, बट क्या कैपिटल एच को जीरो लिया जाना चाहिए। और देखना अब बहुत सारे एजुकेटर्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे लेजेंडरी टीचर्स ने ये मिस्टेक करी है कि आपने यहां से पी ए माइनस रो जी स्मॉल एच ले लिया है ना, पी ए माइनस रो ए जी स्मॉल एच ले लिया है, मतलब आपने कैपिटल एच को इग्नोर कर दिया है। आपके सोल्यूशन में आपने यहां और यहां पे दोनों पे पीए ले लिया है, बेसिकली यहां तो पीए है ही, क्वेश्चन में दे रखा है, बट यहां से यहां का आपने चेंज इग्नोर कर दिया, यही हम समझेंगे। मतलब ये आपका अजम्पशन हो सकता है डेफिनेटली, बट ये आपने इग्नोर तो डेफिनेटली किया, मतलब कैपिटल एच को आपने जीरो बोल दिया है ना। और कई लोगों ने कैपिटल एच को जीरो इक्वल प्रूव भी कर दिया है, बहुत सारी गलतियां हैं वो, जैसे एक पर्टिकुलर हमारे साथी हैं, टीचर हैं, फिजिक्स के लिए बहुत पैशनेट है, हम भी फिजिक्स के लिए बहुत पैशनेट है, और देखो जब भी किसी ने अगर बोला है, वैसे मैंने नहीं बोला बट उन्हें लगा है कि किसी ने बोला है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स नहीं लगा सकते, बर्नौली लगानी पड़ेगी, तो बर्नौली तो ऑब्वियसली हर एजुकेटर अपनी क्लास में प्रूव करता है पहले, तभी उसको बच्चों को लगाने के लिए बताता है कि ये प्रूफ है बच्चों, इसका वर्क एनर्जी थ्योरम से आ रहा है, तो वो प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं अलग से, वो हर एजुकेटर जानता है जो आईआईटी के लिए पढ़ा रहा है, वो आईआईटी के लिए पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल तभी हुआ है जब वो इस तरह की चीजें जानता है। तो आप पढ़ के आओ, ऐसी चीजें तो मतलब मत ही बोले, वैसे मेरे लिए डायरेक्टेड नहीं था, आई डोंट नो बट क्यों बोला है, ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, आप प्लीज समझिए इस बात को। और दूसरी बात यह है कि आप अगर यहाँ पे हाफ रो ए है ना वी वन, आई ट्राई टू रिकॉल दैट नाउ है ना, क्योंकि वो अलग ही एक सोल्यूशन था, तो मैं उसको अभी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिर यहां से यहां पे जो कि पॉइंट ए, जैसे अपन ने तो यहाँ पे 102 लिया है राइट, बट यहां से यहां पे मैं जो आप एक वो इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें आप डेंसिटी को सेम लिख रहे हैं, नाउ आई रिमेंबर कि उसमें डेंसिटी की वैल्यू को रो ही ले लिया था और उस वजह से आपने एच इक्वल टू जीरो प्रूव किया था, आपका वो सोल्यूशन मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट आप डेफिनेटली लाइक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एवरीबडी कैन सी दैट रो की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। रो की वैल्यू जैसे आपने, हाँ आपने यहाँ पे v1 ले लिया क्योंकि ये सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे भी v1 है, तो हाफ रो ए v1 स्क्वायर, ठीक है, और आप जीरो हाइट पे है, यहाँ पे जीरो लिया है आपने, और आप यहाँ पे पी ए एरिया पे है, फिर आप यहाँ पे भी पी ए एरिया पे है, ठीक है ना, फिर आप यहाँ पे रो जी एच पे है, और ये आपने लिखा है, ये मुझे अच्छे से याद है ना, आपने यहाँ पे भी रो और रो ले लिया था, V1 दोनों जगह लेना सही है पर आपने दोनों जगह पे रो ले लिया था, ठीक है ना, रो दोनों जगह पे नहीं होगा, रो अगर दोनों जगह पे होगा फिर आपने इसको काट दिया, इसको काट दिया, H इक्वल टू जीरो लिख दिया, बट रो दोनों जगह पे नहीं होगा, यहां पे रो एयर होगा क्योंकि आप जस्ट बाहर हैं और अंदर में रो है तो यहां पे रो होगा, है ना। तो उस वजह से देखो यार एच इक्वल टू जीरो ही प्रूव कर देना, जबकि क्वेश्चन में तो एच इक्वल टू जीरो नहीं दिया है, तो ये सारी बातें मुझे लिटरली थोड़ी बचकानी ही लगती है, मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं कि आंसर जस्टिफाई हो जाए, मतलब किसी तरह जो मैंने आंसर निकाला है वो आ गया है प्रोविजनल में, तो बट मैं अब उस आंसर को और जस्टिफाई करूंगा 4-5 वीडियोस और बनाकर, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीजें, अब दो चीजें यहाँ पे, एक सॉल्यूशन में जैसे कि अंदर बाहर इन लेवल्स पे प्रेशर सेम ले लिया, मतलब वहां पे एच को इग्नोर कर दिया, और एक में एच को लिटरली जीरो ही ले लिया है, ये दोनों सॉल्यूशन क्वेश्चन में तो एच इक्वल टू जीरो नहीं है तो गलत है, मतलब 47.1 जिस तरह से आ रहा है वो एच इक्वल टू जीरो तो नहीं है सर, इतना आप मान लें कि एच कैपिटल को जीरो लेना ही तब पॉसिबल है जब एमआईटी ने आपको यहां पे एच कैपिटल एच मच मच लेस देन स्मॉल एच दिया था, ठीक है, जब एच कैपिटल मच मच लेस देन स्मॉल एच दिया था तो वहां पे संभव है, और वो बात सही है कि यहां पे आपको एक बड़ा सा सेगमेंट बना देना चाहिए था, उसकी वजह से कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाता, तो कंफ्यूजन तो आया है नॉट जस्ट स्टूडेंट्स। अब ये बात सोचिए कि इतने सारे टीचर्स को अगर कंफ्यूजन आया है और इतनी सारी आर्ग्यूमेंट चल रही है एक तरह से, वैसे मैं इस चीज को कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं मानता, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ईच फिजिक्स लवर, क्योंकि यार वो लोग किस तरह से सोचते हैं ये मैं भी जानता हूँ ना, और मेरे मन में भी वही भाव रहता है जब मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट, वी आर ऑल डिस्कसिंग दीज थिंग्स,
इट्स नॉट अ कॉन्ट्रोवर्सी एट ऑल, इट्स जस्ट अ प्लेन सिंपल डिस्कशन जो हर बंदा अपने वीडियो के माध्यम से कर रहा है ना। आई विश हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में मिल पाते और सब लोग इसको एक्चुअली डिस्कस कर पाते, वुडन वेरी हेल्दी है ना। बट यस अभी अच्छा बच्चे भी इसमें मजे ले रहे हैं है ना, स्पेशली वो बच्चे जिनका जेई से इस वाले जेई से को लेना देना है नहीं है ना। तो बच्चों आपसे भी मैं एक छोटी सी चीज ही कहूंगा, अगर आप 23 एस्पिरेंट है तो यार मजे लो लाइफ के, दिस इज द ओनली टाइम इन लाइफ, क्योंकि स्कूल भी हो चुका है, जेई भी हो चुका है, अभी शायद बिटसैट आप देने वाले हैं, एक दो और एग्जाम होंगे, बट यार आपके कॉलेज एडमिशन से पहले ये वाला फेज आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटरली, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, घूमो फिरो, एंजॉय करो। और अगर वीडियो देखने के हिसाब से ही आए हो, अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो कमेंट भी करना कि आपने इस क्वेश्चन के साथ क्या किया। वैसे स्मार्ट वर्क यही होगा अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया एज अ स्टूडेंट, अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा, एक तो एंड में था, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन में टाइम लगाया फिर भी नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया, तो ये बेस्ट डिसीजन आपने लिया है, वेरी वेरी गुड डिसीजन बच्चों। सेकेंडली अगर आपने इस क्वेश्चन को बाय चांस ट्राई किया है तो आप कमेंट जरूर लिखना अपने बारे में, पूरा बताना, एक ही लाइन में मत लिख देना यार आपने 60.8 लिखा है, आपने 47.1 लिखा है या आपने कुछ और लिखा है, ये भी आप अच्छे से बताना है ना। दिस इज फॉर 23 एस्पिरेंट्स, 24, 25 ऑल द लेटर एस्पिरेंट्स, आप इन क्वेश्चन से सीखे जरूर है ना, और इस पूरे इंसिडेंट से सीखे कि क्या आप भी कभी इस तरह के क्वेश्चन में फंस सकते हैं और क्या आपको फंसना लाजमी है। मतलब जब हर एक टीचर इस वीडियो के सॉल्यूशंस को 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक के सॉल्यूशन बना रहे तो आप ऑब्वियसली उस क्वेश्चन में ना ही फंसे तो अच्छा है, या अगर कन्विक्शन बहुत अच्छा है फिजिक्स में, बहुत अच्छा ओलंपियाड लेवल का बच्चा है अपना, तो डेफिनेटली कन्विक्शन के साथ आपके आंसर लिख के आए ये बताना, ठीक है ना। और ये ओनली मैसेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी मेनली ये वीडियो मेरे साथी टीचर्स के लिए है, मुझसे बहुत बड़े हैं वो, बहुत रिस्पेक्ट है उन सभी के लिए। मेरे जूनियर्स भी हैं कुछ जो कि वीडियोज बनाए हैं, बट यार आई रियली डिसएग्री कि यार आप एच को इग्नोर नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग एच को जीरो ना ही प्रूव करें, वो थोड़ा सा सच में एब्सर्ड लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में एच जीरो दिया नहीं है सर। और ये बात जरूर माने, अब देखो आपने इतने वीडियोस तो बना दिए बट ये बात तो आप मान ही नहीं रहे कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है ये बोल देना कि आईआईटी ने जिस तरह से इस क्वेश्चन को कॉपी किया है, अब यही बोलना पड़ेगा आपने। देखो अब ये भी एक बात है ना कि आपने इसी क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन का वीडियो क्यों बनाया है, क्या आप बाकी क्वेश्चन में बच्चों को हेल्प नहीं करना चाहते? तो आप किसी तरह से या तो उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं, मतलब क्या मोटिव है कुछ वीडियोस का मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतना प्लान्ड लग रहे हैं कुछ वीडियोस कि कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं बट हो ही सकती है, हु नोज, किसी को ये बात पता नहीं चलती है। बट यस आप इतना एक ही क्वेश्चन पे क्यों, बाकी क्वेश्चन पे भी बनाए, हमने जिस तरह से पूरे वीडियो सोल्यूशन हर साल दिए हैं तो ये क्वेश्चन लास्ट में आया वो अलग बात है ना, मेरा सेकंड वीडियो सोल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन अगर लास्ट में नहीं होता तो मैं इसको पूरे इंटरनेट पे सबसे पहले वीडियो सोल्यूशन में डाल देता, क्योंकि हमने 5 तारीख को ही पेपर डिस्कशन कर लिया था जिस दिन पेपर आया था, दोनों पेपर्स, पेपर 1 एंड 2। एनीवे जो भी है मैं अपने आंसर से संतुष्ट हूँ, मैंने जो सॉल्यूशन दिया मैंने उसके बाद और कोई वीडियो भी नहीं बताया जस्टिफिकेशन के लिए, बिकॉज दोज हु हैव कैलकुलेटेड दिस आंसर, दोज टीचर्स हु हैव कैलकुलेटेड दिस आंसर, दे आर वेरी मच श्योर सर्टेन। कई बार उनको ये लगता भी नहीं है कि यार क्या ही वीडियो बनाए, क्या बच्चों को परेशान नहीं करेंगे यार। अल्टीमेटली जो बच्चे अपने पेपर देके आ चुके हैं उनको इस तरह की चीजें बोल देना कि ब्राउनियन मोशन भी हो सकता है या कन्वेक्शन हो सकता है, तो कन्वेक्शन हो सकता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे होगा, कुछ चीजें तो आप सोच कर बोलिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोलिए, बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं। आपने इसको 60-90 सेकंड का क्वेश्चन बोल दिया है लेकिन बच्चा वहां पे एग्जाम हॉल में किस सिचुएशन में होता है वो भी समझने की कोशिश करिए। मैं बच्चों से बहुत जुड़ा रहता हूँ, मुझे हर एक चीज फील होती है कि यार सच में, जैसे इस वीडियो का आप सॉल्यूशन देखोगे पेपर में जाके, मैंने बोल दिया था यार आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया बच्चों, है ना, क्योंकि इसमें फंसना बट 60-90 सेकंड्स में हो जाएगा क्वेश्चन सच में, और वो भी गलत तरीकों से, एच को आप इग्नोर कर रहे हो और एच इक्वल टू जीरो रख रहे हो, एच इक्वल टू जीरो को प्रूव कर रहे हो जो कि नहीं है, आपकी इक्वेशन में फॉल्ट है। हाउ आर यू कैंसिलिंग दीज टू टर्म्स, आप इन दो टर्म्स को कैंसिल कैसे कर रहे हैं जब इनकी डेंसिटीज अलग अलग है। तो यार चलो बहुत सारा दायित्व फैल चुका है हम बोल सकते हैं, मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूं अगर मैंने किसी को हर्ट किया है ना, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी, बट मेरा देखो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता ही नहीं हूं पहली बात, बट क्या है ना कि जब थोड़ा सा अति होने लगती है ऐसा लगता है तो मुझे भी लगा कि एक पॉइंट पे हम अपनी बात कह सकते हैं, ये माध्यम है बात कहने का, और ठीक है कई लोगों से तो हम पर्सनली जुड़े रहते हैं बट कईयों से नहीं भी रहते, लेकिन फिर भी वो अपने हम सफर होते साथी होते हैं, क्योंकि कोई बच्चा किसी भी सिटी में है, टाउन में है, उन्हें हम हेल्प कर पा रहे हैं जेई जैसे बड़े कॉज के लिए या एजुकेशन जैसे बड़े कॉज के लिए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी फॉर्चुनेट है ना, बहुत कम लोगों को ये मिलता है। और एक फाइनल चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि बायंसी लग रहा है, सपोज अगर आप बोल रहे हैं कि बायंसी भी लग रहा है उसकी वजह से ऊपर राइज कर रहा है, मतलब एनएलएम काइनेमेटिक्स के अगेंस्ट कुछ नहीं है वो, ऑब्वियसली जिस तरीके से बर्नौली थ्योरम डिराइव होती है वो सभी जानते हैं, सब टीचर्स अपने क्लास में वो प्रूव करते हैं तभी जानते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर जब एक्सेलरेट कर रही है, अगर वो चिमनी में सपोज एक्सेलरेट कर रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है,
है ना, जैसे फ्री फॉल करता हुआ पानी, नल से निकलता हुआ पानी भी फ्री फॉल करता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या वो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भी जो हॉट एयर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज करता ही है। देखो अगर आप एक्सेलरेशन बोल रहे हो, बस इतना सा, देखो इतनी सी चीज पे ध्यान देना, अगर आप बोल रहे हो एक्सेलरेट कर रहा है, इफ यू स्टैंड बाय दैट सॉल्यूशन, देन डेफिनेटली वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मतलब पूरे सेगमेंट में सेम वेलोसिटी है ही नहीं, फिर आप ये बोल रहे हो, मतलब एरिया कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है और फाइनली एरिया जो बाहर आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि आउटकमिंग मास रेट है ना, बाहर आती हुई मास रेट, यार वो तो पाई डी स्क्वायर है ही नहीं, पाई डी स्क्वायर बाय फोर है ही नहीं, वो एरिया तो पाई डी स्क्वायर बाय फोर से कम है। तो आप जो आंसर निकाल रहे हैं डीएम बाई डी टी है ना, रो इंटू पाई डी स्क्वायर बाय फोर तो है ही नहीं, फिर वो आंसर गलत ही है, ठीक है ना। वी वन या वी टू जो भी लिया आपने वहां पे, मैंने वी टू लिया, सबने वी टू ले लिया इनफैक्ट। तो ये देखो कुछ चीजें हैं जो कि मुझे एक्सप्लेन करनी थी या बोलनी थी, जस्ट ना एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, आई स्टैंड बाय माई सोल्यूशन इवन टिल डेट। और देखो कॉन्ट्रोवर्सी की बात नहीं होनी चाहिए, कैपिटल एच को आप इग्नोर कर देते अगर क्वेश्चन में MIT वाली लैंग्वेज होती, ठीक है जी, MIT वाली लैंग्वेज होती। MIT ने इतने assumptions क्यों दिए, MIT ने डायरेक्टली स्टेडी मास फ्लो रेट निकाल दो, ड्रॉन बाय द स्टैक बोला इसने तो, है ना, ड्रॉन बाय द स्टैक एट ए गिवन हाइट। और IIT ने भी क्या बोला है, देखना, स्टेडी मास फ्लो रेट एग्जिटिंग द चिमनी, है ना। तो जहां पे एग्जिट कर रहा है, जहां पे एग्जिट कर रहा है, आप समझ रहे हैं, वहां पे फिर एरिया तो नोजल का कम हो गया, है ना, मतलब ये खाली एरिया आप मानने पड़ेगा या स्टडी एयर मानना पड़ेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे एरिया कम हो गया फिर, तो वो एरिया आप कैसे ले रहे हो, है ना, ये एरिया आप कैसे ले रहे हो फिर, वो सारे क्वेश्चन है। तो चलिए ये सारी चीजें हैं जिनको मैंने पॉइंट आउट कर दिया, वाई 47.1 इज रॉन्ग, एक बार फिर से समराइज करता हूँ। एच को इग्नोर नहीं कर सकते, कैपिटल एच को इग्नोर करते अगर डायग्राम थोड़ा अलग सा बनाते, कैपिटल एच को जीरो तो कतई नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है। और अगर आप बायंसी लगा रहे हैं, अगर आप एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, तो आपको ये चीज नोजल जो होती है इस तरह से, ये फ्लो रेट जब निकलता है तो एरिया कम हो जाता है, ये बात भी आपको लगानी चाहिए थी। आपको पाई डी स्क्वायर बाय फोर तो नहीं यूज करना चाहिए था जब आपने 47.1 निकाला था। तो यार ये सारी चीजें हैं। अब आई एम अगेन रियली वेरी सॉरी अगर किसी को ऑफेंड हुआ है, बट बच्चों तुम मजे करो यार, 24-25 एस्पिरेंट इससे लर्निंग लो, इस तरह के क्वेश्चन में फंसना नहीं है। एंड माई फाइनल कॉमेंट विल बी टू समबडी इन IIT, एक और चीज है बच्चों कि अगर आप दो डेसिमल प्लेसेस तक आंसर न्यूमेरिकल राउंड ऑफ करके कर ही रहे हो, राइट, ट्रंकेट करना, आपको पता है कि ये दो डेसिमल प्लेस तक अपने आंसर दिया, तो कई लोग इसको रेंज में भी बता देते हैं। देखो रेंज में बताना IIT का काम है, एक रेंज देना किसी टीचर का काम नहीं है, आप एक टीचर है, आपका एक ही सोल्यूशन है, आप प्रिसाइज वैल्यू निकालेंगे, और रेंज देना IIT का काम है। तो मेरा लास्ट कॉमेंट जो है, या मैं जो लास्ट बात कहना चाहता हूँ, वो लिटरली IITs के बारे में ही है, IIT गुवाहाटी टू बी प्रिसाइज हियर, कि आपने अगर क्वेश्चन बनाया तो आपने एज इट इज कॉपी नहीं किया इसको, उस वजह से आज इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, या इतने सारे बच्चों को भी दिक्कत हो रही है और टीचर्स को भी दिक्कत हो रही है। मतलब दिल से कोई टीचर दुखी है तभी इस तरह के वीडियोस बना रहा है, कुछ टीचर्स मजे के लिए भी बना रहे हैं, बट कुछ बच्चे और टीचर्स सच में दुखी हैं कि ये सारी वैल्यूज तो आपने दे दी, आप जनरिक एक्सप्रेशन कर लेते हैं। अच्छा बाय द वे, जब हम पेपर डिस्कशन कर रहे थे तो कुछ टीचर्स गूगल सर्च भी कर रहे थे, ये भी पता चलता है। जब हम अनअकैडमी JEE चैनल पे इंडिया का सबसे पहला पेपर डिस्कशन कर रहे थे, लाइव करते हैं हम लोग, तो उस समय, और उसमें 6-7 घंटे लगते हैं, एक पेपर को 6 घंटे तो लगते हैं एडवांस का है, तो उस समय कुछ लोग सिर्फ एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहे थे और उसको गूगल सर्च कर रहे थे। तो आप गूगल सर्च करें बिना तो सपने में नहीं आएगा कि आपको MIT में ये क्वेश्चन आया था, MIT के इस जो एक प्रॉब्लम देते हैं, वो असाइनमेंट देते हैं बेसिकली, एक असाइनमेंट एक क्वेश्चन ही होता है, उसका सॉल्यूशन बाद में PDF फॉर्म में आता है। तो आपने गूगल सर्च किया है डेफिनेटली, और फिर आपने वही जो आंसर दिया है उसमें अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। बाय द वे यहां पे क्या लग रहा है, बर्नौली लग रहा है, यहां बर्नौली लग रहा है, राइट। तो आप वो आंसर को, अब देखना यहां पे मैं प्रूव करूंगा, यार V3 इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आता है, इसमें 1.2 रख दो, इसमें 1 रख दो, तो 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 9 है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कैपिटल एच मच मच लेस देन स्मॉल एच दिया हुआ है, कैपिटल एच मच मच ग्रेटर देन डी है, और ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल एच मच मच लेस देन स्मॉल एच भी दिया हुआ है। तो आपने यहां से जो आंसर 6 निकाला है सर, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका सोल्यूशन कॉपीड है, आपने एज सच ये वाली टर्म, एंड देखना 18 भी इसी से आता है ना, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ गया, हाइड्रोस्टैटिक सिचुएशन हो गई है, तो यहाँ पे भी आप वैल्यूज रखना जो एंथुजियास्ट है, 60/360, 1.2 GH करके देखना, यहाँ पे 18 आंसर आता है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले वहां पे PDF में आपको मिल गए, गूगल सर्च आपने कर लिया और आपने आंसर बता दिया, तो वो आंसर IIT ने भी क्योंकि यहीं से कॉपी किया है, तो वो उनका भी आंसर मैच कर गया है, ठीक है। तो प्रोविजनल की है IIT गुवाहाटी से, ये उम्मीद है कि आप अपनी प्रोविजनल की को चेंज करेंगे और दोनों आंसर नहीं देंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों आंसर देके दोनों फैक्शंस को खुश कर देंगे, इसका मतलब आपने गलती की, आप मानते हैं, और अगर आपने गलती की ये बात आप मानते हैं, जो कि मानना चाहिए क्योंकि कैपिटल एच तो जीरो लेके आंसर आ रहा है 47.1 है ना, कैपिटल एच को अगर हम जीरो ना लें तो यही आंसर आ रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में कैपिटल एच जीरो नहीं था या मच मच लेस नहीं था। तो आप एज एन अथॉरिटी ये चीज को एक्सेप्ट करें और बोनस दे दें क्वेश्चन को, या तो आंसर ये है
या फिर आप क्वेश्चन में एरर है, ये बात आप माने, मतलब टीचर्स भी नहीं मान रहे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई आर वी ट्राइंग टू जस्टिफाई अ रॉन्ग क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई ऑल दिस डिस्कशंस आर हैपनिंग, राइट. क्वेश्चन वाज कॉपीड रॉन्ग, दैट इज व्हाई दिस डिस्कशंस आर हैपनिंग, राइट. अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो कौन इस पे करेक्ट डिसीजन ले सकता है? द अथॉरिटी, द आईआईटी गुवाहाटी टीम, जिन्होंने क्वेश्चन को भी सेलेक्ट किया या फिर आंसर की को भी बनाया. तो प्रोविजनल आंसर की में चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि गलती हो सकती है, लेकिन या तो एक्चुअल आंसर की में ये आंसर हो या फिर आप उसे बोनस दे दे बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि एवरीबडी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल थिंग, कि कैपिटल एच वन था और बहुत छोटा नहीं था. आप इस बात को प्लीज समझिए, रिक्वेस्ट करता हूँ लिटरली, कि आप या तो आंसर यही रखें. 47.1 तो मुझे किसी भी हालत में आज की डेट में भी नहीं लगता है, करीब 7-8 दिन हो गए उस वीडियो को पहली बार जब सोल्यूशन किया था बताते हुए. तो आप इसको बोनस दे देंगे तो भी चलेगा, बट दोनों आंसर मत देना. उससे क्या हो जाएगा, आप दोनों फैक्शंस को खुश भी कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी भी गलती है, आपने कहीं इस चीज को गलती करी है क्वेश्चन कॉपी करने में या वैल्यूज रखने में. वैल्यूज कई बार गलत हो जाती है, इट्स मुझसे भी हो चुकी है, सबसे होती है, मतलब इट्स अ ह्यूमन एरर, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. बट डोंट ट्राई टू जस्टिफाई इट बाय जस्ट मेकिंग बोथ द आंसर्स करेक्ट, विच विल डेफिनेटली शो दैट आपने गलती करी थी कहीं पे. तो और गलती करी तो बोनस देना ज्यादा एप्ट है, या ये आंसर देना और भी ज्यादा एप्ट है. दैट इज व्हाट आई स्ट्रांगली फील. थैंक यू सो मच एवरीवन, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स एंड एवरीवन. मैं बहुत कम इस तरह के वीडियो मैंने कभी बनाए भी नहीं है बेसिकली, बट क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, और लास्ट ईयर भी वैसे जो अपनी चिमनी वाली प्रॉब्लम की कॉन्ट्रोवर्सी थी उस पर मैं बनाना चाहता था, बट वी रियली नीड सच वीडियोज हैपनिंग बिकॉज दीज आर डिस्कशंस, आई डोंट सी देम एज कॉन्ट्रोवर्सीज. और टीम उड़ान डेफिनेटली बच्चों के लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत करती है और एक कम्युनिटी का एक फील लेती है, कि यहाँ पे बहुत सारे अपने और भी टीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस में ज्यादा है, लेजेंडरी है, बट डेफिनेटली गलती उनसे अगर हो जाती है तो हमें भी कुछ चीजें कई बार पॉइंट आउट करनी पड़ती है. नॉट जस्ट दैट, गलती किसी से हो नहीं सकती, इतने लेजेंडरी लोग हैं, डेफिनेटली हम इंस्पायर्ड होते हैं. और टीम उड़ान को रेगुलरली फॉलो करने वाले बच्चे इस तरह के अमेजिंग रिजल्ट्स पाते हैं ऑनलाइन में. ऑलरेडी पिछले 4 सालों में इतने अमेजिंग रिजल्ट्स नेशनल टॉपर्स अपनी टीम ने दिए हैं. टीम को रेगुलरली फॉलो करते रहे, चैनल पर नए हैं तो रेगुलर हो जाए. JEE 24 एस्पिरेंट्स का उड़ान बैच नया वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आपको 19 जून से पहले क्लास चालू होगी इसमें, और 24 एस्पिरेंट्स अभी सीरियस हो जाओगे अगर अभी तक नहीं हुआ. 23 एस्पिरेंट्स आपके लिए एक टूल किट बनाया हुआ है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और उड़ान कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट सभी प्लान्स में मिल जाएगा, 25% तक का ऑफ आपको मिल जाएगा. अपने ऑफलाइन सेंटर्स भी है, 40+ सिटीज में हम ऑफलाइन प्रेजेंट है, अनअकैडमी प्रेजेंट है, वहां पे भी आप डिस्काउंट को उड़ान कोड से क्लेम कर सकते हैं. ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो थैंक यू सो मच, लव टू एवरीवन लिटरली. और चलिए यार, इसी तरह के डिस्कशंस कभी ना ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस हो उसमें हो तो बहुत मजा आएगा. एवरीबडी विल टेक देयर टर्न्स टू पुट देयर आइडियाज फॉर्थ, और शायद वीडियोस की फॉर्म में, स्पेशली जहां पे बच्चे मजे ले रहे हैं, है ना, वो शायद नहीं हो पाए ना, वो थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है एक पॉइंट पे, ना, मतलब वो बच्चे ही कई बार इतने मजे ले रहे हैं कि वो टीचर्स रोस्टेड फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और आपस में डिस्कशन डेफिनेटली होनी चाहिए. एंड दिस इज इट ऑल फ्रॉम माई साइड. आई रियली विश ग्रेट ग्रेट हेल्थ टू ईच ऑफ द सीनियर टीचर्स जो कि फिजिक्स में फ्लैग बेयरर्स हैं लिटरली. और हम लोग डेफिनेटली कभी मिलेंगे फिजिकली, तब भी हम ये चीजों को डिस्कस कर सकते हैं सर. थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय.